सब्सक्राइब कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस चैनल को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ऑल राउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स ऑल राउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बी एस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके जो था इससे पहले एक चैप्टर चल रहा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फैक्टर्स उसके बारे में हम और आगे बात करते हैं उसमें मैंने देखिए कई सारी चीजें आपको बता दी थी लेकिन कुछ चीजें जो है देखिए एक बुक में कभी भी आपको सारी जानकारी नहीं मिलती मैंने कुछ बुक्स के लिंक नीचे दिए हैं आप वहां पर जाकर वो बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं तो उन बुक्स में भी चलिए मैं ये मानता हूं कि उनमें भी सारी जानकारी नहीं है लेकिन चलो कम से कम 80% व्यूज उसके अंदर दी गई है देखिए मैं खुद अभी आपको बताने के लिए दो दो बुक्स मेरे खुद का जो माइंड है वो मेरे पास जो मैं मतलब उसको कभी मतलब ऑनलाइन भी चेक करता हूं कि आपके लिए क्या क्या मैं अच्छा लेके आ सकता हूं क्या क्या अट्रैक्टिव चीज लेके आ सकता हूं मैं कोशिश करता हूं तो आप पढ़ते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी अगर आपको जवाहर विद्यालय में जाना है तो ठीक है एक बुक से कभी भी सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि ये बुक पढ़ ले और आपका काम हो जाएगा फिर भी ठीक है चलिए और मैं आपको जो है सारी बुक्स ये दो बुक्स हैं इनकी सारी इनको कंबाइन करके बताता हूं कि ये चीजें आती है तो देखिए ये भी मेरे पास कुछ आए थे बच्चे उनको भी मैंने ये वाला चैप्टर पूरा किया अभी तो देखिए पॉलिनोमियल है देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बाइनोमियल इक्वेशन होती है मोनोमियल होते हैं इनके बारे में आपको बताऊंगा इसी प्रकार से देखिए पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होते हैं पॉलिनोमियल से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मोनोमियल क्या बताऊंगा मोनोमियल मोनोमियल को हिंदी में कहते हैं मोनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं एक पद क्या कहते हैं एक पद अब एक पद का मतलब क्या होता है ऐसी इक्वेशन या ऐसी एक्सप्रेशंस जिसमें एक ही पद हो ओनली वन पद हो मतलब कि देखिए जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वन फोर फाइव कुछ भी कह सकते हो आप फाइव एक्स सिक्स एक्स क्यूब यानी कि जिसमें सिर्फ एक पद हो ओनली एक ही पद हो उसको कहते हैं मोनोमियल ठीक है सेकेंड थिंग बात करते हैं बायनोमियल बायनोमियल जिसको हिंदी में कहते हैं बायनोमियल इसको हिंदी में कहते हैं द्विपद क्या कहते हैं द्विपद ये द्विपद का मतलब क्या होता है जहां पर दो पद हो मतलब कि x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वाई कुछ भी आप ले सकते हो जहां पर दो पद हो x प्लस सिक्स कुछ भी ये दो पद जो है यहां पर आप 6x प्लस फोर कुछ भी ले सकते हो इनको कहा जाता है बाइनोमियल या फिर द्विपद ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दो पद होते हैं अब हम बात करते हैं ट्राइनोमियल किसकी बात कर रहे हैं ट्राइनोमियल जिसको हम कहते हैं ओके तो इसको कहा जाता है देखिए इसमें क्या होता है जहां पर तीन पद हो जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं क्योंकि ये देखिए क्वाड्रेटिक ये सब किस पे डिपेंड करता है ये सब डिपेंड करता है उसकी घात पर उसकी पावर पर कि उसकी कितनी पावर है वो सब उस पर डिपेंड करता है लेकिन ये जो है मोनोमियल बाइनोमियल ये सब डिपेंड करता है कि उसमें कितने संख्याएं हैं कितने पद हैं एक दो तीन तो इसलिए इसको नाम दिया गया ठीक है इसमें दो है इसलिए इसका नाम दिया गया बाइनोमियल इसमें एक है तो इसमें इसका नाम दिया गया मोनोमियल ओके तो ये आपको समझ में आ गया मोनोमियल बाइनोमियल और ये हो गया तीन अब एक और आता है क्वाड्रेमियल क्वाड्रेमियल जिसको हिंदी में कहा जाता है सॉरी इसको कहा जाता है क्वाड्रिनोमियल जिसको हिंदी में कहा जाता है चतुर्पद क्या कहा जाता है चतुर्पद जिसके चार पद हो जैसे कि
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें कितने पद है, 1, 2, 3, 4। अब जिसमें चार से अधिक या फिर एक या एक से अधिक पद भी हो, मान लीजिए देखिए इनका नाम भले ही इनको दिया गया है कि अगर एक पद है तो उसको मोनोमियल, दो पद है तो उसको ये बाइनोमियल, तीन पद है तो ये दे दिया, चार पद वाले को ये दे दिया, लेकिन मैथमेटिक्स ये भी कहती है, क्या कहती है कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो, जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। यानी कि जिसमें एक पद है उसको हम कहेंगे मोनोमियल, और जो भी एक से ज्यादा है, यानी कि जो ये दो पद वाली हो गई, तीन पद वाली हो गई, चार पद वाली हो गई, इन सबको कहा जाता है पॉलिनोमियल। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल्स क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मोनोमियल क्या होते हैं। तो अगर आपसे इस प्रकार से पूछा जाए, तो आप अगर मोनोमियल क्या पूछे तो जिसमें एक पद होता है ये, इसमें दो पद होते हैं, इसमें तीन पद होते हैं, इसमें चार पद होते हैं, और इसमें एक से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, अब देखिए एक से ज्यादा पद तो इसमें भी है, एक से ज्यादा पद तो इसमें भी है, एक से ज्यादा पद इसमें भी है, और एक से ज्यादा पद इसमें भी है। लेकिन पहले ही एक से ज्यादा पद उनमें है, लेकिन उनका नाम ये भी है और उनका नाम पॉलिनोमियल भी है, उनको आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। जहां पर ये वाली इक्वेशन लिखी है इसको आप बाइनोमियल भी कह सकते हो और इसको आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें एक या एक से ज्यादा नॉन जीरो कोएफिशिएंट वाले होते हैं। देखिए नॉन जीरो कोएफिशिएंट, नॉन जीरो का मतलब जो जीरो ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए एक्स ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स। अब देखिए ये नॉन जीरो है, यानी कि देखिए ये नॉन जीरो नहीं है, ये है जीरो, क्योंकि जब आप इसको एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो, और इसको जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर, तो ये फिर से बन गया मोनोमियल, मोनोमियल बन गया, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। उसमें जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे वो -1 हो, -2 हो, -4 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहां पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया, जिसमें एक पद हो उसको कहा जाता है मोनोमियल, जिसमें दो पद हो उसमें उसको कहा जाता है बाइनोमियल, जिसमें तीन पद हो उसको कहा जाता है ट्राइनोमियल, जिसमें चार पद हो उसको कहा जाता है क्वाड्रिनोमियल, और जिसमें उससे ज्यादा पद हो, देखिए ज्यादा पद वालों को नाम आप दे सकते हो, जिसमें पांच पद है उसको आप पेंटानोमियल भी कह सकते हो, पेंटानोमियल, छह वाले को आप हेक्सानोमियल भी कह सकते हो, हेक्सानोमियल, सात वाले को आप हेप्टानोमियल कह सकते हो, हेप्टानोमियल, इस प्रकार से। तो ये देखिए पांच वाले का, ये छह वाला का, सात वाला, जो आठ है उसको आप ऑक्टानोमियल कह सकते हो, नौ वाले को आप नोना मोलियल कह सकते हो, टेन वाले को आप डेका नोमियल कह सकते हो। तो इस प्रकार से नाम दे सकते हो, ये आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ चार तक याद कर दीजिए वो आपके लिए बहुत है। लेकिन सबसे पहली बात होती है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल, उसके बाद वाले को आप सीधा पॉलिनोमियल कहना शुरू कर दो, या फिर आप यहां से भी पॉलिनोमियल करना शुरू कर सकते हो। ये एक मैथमेटिक्स की, पता नहीं मुझे खुद को ये पढ़ने नहीं पड़ रही चीज कि ये इन्होंने इन सबका नाम अगर ये अलग से देना था तो इनको पॉलिनोमियल क्यों कहा। लेकिन अब देखिए जो है तो वो तो है, आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें दो पद है उसको कहेंगे बाइनोमियल, तीन वाले को ट्राइनोमियल, चार वाले को क्वाड्रिनोमियल, पांच वाले को पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनामोनोमियल, एंड उसके बाद इस प्रकार से नाम दे सकते हो। अब आप पे ये डिपेंड करता है कि आप इनको याद करना चाहते हो। वैसे आपसे एग्जाम में कभी भी ये जो मैंने पांच से आगे बताया कोई नहीं पूछने वाला, ये आपके जब आप और आगे आगे जाओगे तो शायद ये पूछा जा सकता है, लेकिन हाल फिलहाल ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे आपको सिर्फ याद करना है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, एंड चौथा होगा वो क्वाड्रिनोमियल। ये चार चीजें आप याद कर देना, और पांच चीज है पॉलिनोमियल जो कि इसको छोड़ के होती है पॉलिनोमियल, तो ये चीजें आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी की सारी जानकारी दे रहा हूं, आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपको कोई रॉन्ग जानकारी मिल रही है, आपको सही जानकारी मिल रही है यहां पर।
और क्या दिया हुआ है आपके? कोफिशियंट, ठीक है, कोफिशियंट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। कोफिशियंट क्या होता है? कोफिशियंट को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? चलो उसमें तो आपका दिया हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैं खुद हिंदी मीडियम से नहीं पढ़ा हूं। हाँ ठीक है, मैंने पांचवी तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं, लेकिन उस समय ये सब कोफिशियंट उस समय थे नहीं, तो उसका मुझे हिंदी का शायद मन नहीं मालूम, आप एक चेक कर देना इंटरनेट पर। लेकिन जो कोफिशियंट होता है वो होता क्या, ये मैं आपको बता सकता हूं। देखिए कोफिशियंट क्या होता है, कोफिशियंट जो होता है, जैसे कि आपने लिखा 3x, आपने लिखा 3xy, आपने लिखा 7x2y, कुछ भी लिखा, और आपसे अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द कोफिशियंट ऑफ x इन दिस, इसमें x का कोफिशियंट क्या है, तो x का कोफिशियंट क्या है 3, यानी कि जो x के पहले जो लिखा हुआ है या x के साथ जो मल्टीप्लाई में है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो x का कोफिशियंट है। y के कोफिशियंट का अगर पूछे तो आपको y का कोफिशियंट क्या है 3x, यानी कि ये 3 और x दोनों इसके कोफिशियंट है। अब अगर आपसे x का कोफिशियंट इसमें पूछा जाए तो क्या होगा यहां पर 3y, क्योंकि इस x के साथ 3 और y दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है ये याद रखना। अब अगर आपसे यहां पर y का पूछा जाए तो 7x स्क्वायर, अब अगर आपसे यहां पर एक्स स्क्वायर का पूछ लिया जाए तो 7y। तो इस प्रकार से ये होते हैं कोफिशियंट, यानी कि उस संख्या के साथ कितनी संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं वो सारी की सारी कोफिशियंट होती हैं, ठीक है। तो फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको कल बताया था, इससे पहले ही बता चुका हूं, ये तो पांचवे वाले बच्चे वो भी आपसे आपको बता देंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल मैंने आपको बता दिया, ओके। देन अब हम बताएंगे आपको, इसमें कुछ दिया हुआ है क्या इस बुक में? चलिए अब हम बताएंगे फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, है ना, ठीक है। फंडामेंटल, ये जो मेरे पास दो बुक है, एक तो हिंदी में है, एक बुक है इंग्लिश में, तो इनकी जो जो मैं आपको रोजाना पढ़ाता हूं सारी वीडियोस के नीचे आप देख लेना, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है, एक तो हिंदी में और एक ये जो इंग्लिश में है। लेकिन जब आप उस लिंक के ऊपर टिक करोगे तो एस बिटली वाली साइट खुलेगी, एस बिटली वाली साइट से ये पीडीएफ फाइल कैसे लेनी है उसका वीडियो, मैंने जो लिंक दिया है उसके जस्ट नीचे एक और लिंक दिया है, उस वीडियो का लिंक, उस वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा कि एस बिटली वाली साइट से वीडियो यानी को पीडीएफ फाइल को कैसे लिया जाएगा, फिर आपको सिर्फ एक बार वीडियो देख लेना है, बस फिर उसके बाद जो भी वीडियो होगी उसके नीचे से आप पीडीएफ फाइल को ले सकोगे। इस वीडियो के नीचे भी मैंने एस बिटली वाली जो वो आती है साइट उससे पीडीएफ फाइल कैसे ले उसके वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद जो होते हैं, उन बहुपद पर ऑपरेशंस कैसे करें, ऑपरेशंस का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग स्क्वायर व्हाट एवर, ठीक है, उन सबको मैथमेटिक्स ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है याद रखना, मैंने आपको पहले भी आपको मैं बता चुका हूं। अब यह बात आते हैं फंडामेंटल, अब फंडामेंटल ऑपरेशन कौन से होते हैं बताइए, फंडामेंटल ऑपरेशन यही तो होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये होते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशन हैं, चार जो हैं ये चारों ऑफ मैथमेटिक्स के फंडामेंटल ऑपरेशन हैं। तो फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल, यानी कि इस बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल के साथ फंडामेंटल ऑपरेशंस कैसे किए जाएंगे, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की, मतलब कि जोड़, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर दे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस y प्लस 4x माइनस, सॉरी माइनस अभी नहीं लेते हैं, प्लस 4 प्लस x। अब आपसे कह दिया गया कि इसको जोड़िए, तो जैसे देखिए फंडामेंटल जो ऑपरेशंस कहते हैं आपको किसी भी पॉलिनोमियल को जोड़ने के लिए, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि देखिए पॉलिनोमियल कैसे जोड़े जाते हैं, पॉलिनोमियल जोड़े जाते हैं उसके हिसाब से, कैसे कि उनके जो लाइक टर्म जो है, लाइक
टर्म जो है उनको पास पास लाया जाता है। लाइक टर्म का मतलब जो सेम टर्म है, सेम टर्म है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, टर्म का मतलब है जैसे कि एक ये हो गया टर्म, ये टर्म हो गया, ये हो गया टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म। टर्म का मतलब होता है पद, यानी जो एक समान के जो पद हैं, एक समान पद हैं, उनको पास पास ले आओ। मतलब कि यहां पर एक्स स्क्वायर है और इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर है, तो उसको आप एक सेपरेट जगह पर रख दो। फिर हमने प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर देखिए तीन के बाद क्या है, एक्स है, एक्स यहां पर भी, एक्स यहां पर भी, एक्स, इनको सबको पास ले लो। कैसे लेंगे पास, थ्री एक्स इसको पास ले लिया, फोर एक्स इसको भी पास ले लिया, एक्स, ओके। देन अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा वाई एंड फोर। अब देखिए यहां पर सिर्फ एक वाई है और पूरी इक्वेशन में कहीं पर वाई नहीं है, तो इस वाई को हमने सेपरेट लिख दिया। फोर, फोर सिर्फ एक ही, यानी कि फोर हो गया, फाइव हो गया, थ्री, सिक्स, वन, टू, ये सब जो क्या होते हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, तो कॉन्स्टेंट यहां पर सिर्फ एक ही है, तो इस कॉन्स्टेंट को यहां पर अलग से लिख लिया। अब इनको जोड़ो, एक्स स्क्वायर सिर्फ एक है, ऐसे कैसा लिख दिया, तीन एक्स और चार एक्स कितने हो गए, सात एक्स और एक एक्स, आठ एक्स, तो आठ एक्स प्लस वाई ले लो और प्लस फोर कर दो। तो इस प्रकार से जो है फंडामेंटल रूप से हम इसको किसी भी पॉलिनोमियल को जोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको पॉलिनोमियल को जोड़ना बता दिया कि पॉलिनोमियल को कैसे जोड़ा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सब्स्ट्रैक्ट करने की, माइनस करने की। वैसे ये बहुत इजी चीजें हैं लेकिन बतानी पड़ेगी, ठीक है, बच्चे गलती कर सकते हैं। सब्स्ट्रैक्शन बाकी, यानी कि एक पॉलिनोमियल से दूसरे किसी और पॉलिनोमियल को माइनस कैसे किया जाए। माइनस के लिए भी वो क्यों चाहिए, जैसे कि आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस टू प्लस नाइन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू। सपोज कीजिए एक ऐसी इक्वेशन दे दी गई आपसे, एक पॉलिनोमियल आपके सामने दे दिया गया, अब कह दिया गया कि इसको सब्स्ट्रैक्ट करो या फिर इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के लिए क्या है, देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को देखते हैं, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, दूसरा एक्स स्क्वायर ये रहा और तीसरा एक्स स्क्वायर रहा, इसमें तीन एक्स स्क्वायर है, तो सबको पास ले लो। पास कैसे लेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा, फिर ये देखिए इस एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह और तीन एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स स्क्वायर के आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए सिक्स एक्स यहां पर लिखा है और कहीं पर भी कोई एक्स नहीं है, तो सिक्स एक्स को हम सेपरेटली लिख देते हैं, क्योंकि आगे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस का चिन्ह लेके आगे। अब यहां पर दो है, नौ है और माइनस दो है, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट सब एक साथ रह जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये टू है प्लस का, नाइन भी प्लस का और माइनस का टू, ये हो गया। अब पीछे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये भी यहां पर आ चुका है। अब क्या करते हैं, देखिए ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, ये फोर एक्स स्क्वायर भी प्लस का, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, फाइव एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड फोर एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स। अब देखिए इनको जोड़ दो, देखिए दो नौ और दो नौ दो हो गए ग्यारह, 11 में से दो को वापस माइनस कर दो, तो पीछे बचे 9, तो ये आगे 9, ठीक है। अब क्या हुआ, 5x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर को कट कर दिया, तो पीछे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो इस प्रकार से जो है आप इस पॉलिनोमियल को भी सॉल्व कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी इसका कर सकते हो, इसमें बाकी भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम जो तीसरी बात है, उस तीसरी हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, उनका गुणा कैसे किया जाता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन की हम बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन गुणा, गुणा कैसे करेंगे, किसी भी जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर गुणा कैसे किया जाता है। अब देखिएगा बच्चों, गुणा के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा कि जैसे कि एक पॉलिनोमियल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, मल्टीप्लाई करना है इसको टू एक्स और इसको भी मल्टीप्लाई करना है फोर वाई, या फिर फोर वाई नहीं लेते, अभी हम फोर एक्स स्क्वायर लेते हैं। अब सपोज इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का भी रूल यही कहता है कि सपोज ये इस प्रकार से, ये इस एक पॉलिनोमियल में देखिए, अगर जब हम एक मोनोमियल जो होता है, एक जो
मोनोमियल होता है उसको दूसरे मोनोमियल से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं मोनोमियल इंटू मोनोमियल तो कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे कि एक 2x है और दूसरा 6x है, तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 12 और x को मल्टीप्लाई कर दो x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर आ जाता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक तो है पॉलिनोमियल और दूसरे दोनों है मोनोमियल, तो अभी हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये पॉलिनोमियल वर्सेज मोनोमियल कर रहे हैं, तो क्या करते हैं मोनोमियल को उस पॉलिनोमियल के अंदर लेके आते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर लेके आते हैं तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको बताया था जो आपका इससे पहले वाला जो चैप्टर थे कई उसमें बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे ही इसके अंदर आएगा तो ये जो है दोनों ये इसमें बंट जाएंगे, बंट जाएंगे मतलब ये इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, मतलब x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2x, फिर बीच में चिन्ह है प्लस का और 6x इंटू 2x, यानी कि ये 2x इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा। फिर देखिए ये इतना हो गया, लेकिन देखिए इतना सॉल्व होने के बाद फिर भी पीछे क्या है 4x स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आता है, 2 तो 2 ही रहेगा क्योंकि अब इसके अंदर कोई और कॉफिशियंट नहीं है, कोई भी और कॉन्स्टेंट या फिर कह सकते हैं कोई x का कॉफिशियंट है 2 और इसका कॉफिशियंट है 1, तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 आ गया और x स्क्वायर x को मल्टीप्लाई कर दो तो x क्यूब आ गया, फिर बीच में आ गया प्लस 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 x इंटू x x स्क्वायर, तो ये हो गया इसका और बाहर आ गया 4x स्क्वायर। अब फिर से ये इसके यहां आएगा, इसके ये जो मोनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा, तो ये सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेगा 2x क्यूब से, फिर ये मल्टीप्लाई करेगा 12x स्क्वायर से, तो कैसे होगा देखिएगा, ये सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करता है तो 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाई 4x स्क्वायर ये आ गया, बीच में चिन्ह कौन सा है प्लस का और ये 4x स्क्वायर को 12x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 12x स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें क्या है देखिएगा कि जैसे ही हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा 2 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ गया 8 x क्यूब इंटू x स्क्वायर कितना हो गया x की पावर 5, क्योंकि देखिए जब x क्यूब इंटू x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर हो रहा था तो देखिए मल्टीप्लाई में जो घात होती है ये जो ऊपर वाली घात होती है ये जो पावर होती है ये पावर जुड़ जाती है, तो देखिए एक्स इंटू एक्स तो एक्स रह गया और ये पावर दोनों जुड़ जाएगी तो 5 हो जाएगा, इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से मैंने यहां पर किया है, ये जो 3 और 2 5 हो गया और ये 4 दोनों 8 हो गया तो 8x की पावर 5, इसी प्रकार से यहां पर होगा 12 इंटू 4 48 प्लस 48 और ये देखिए x की पावर 2 है और x की पावर 2 है तो x की पावर 4, तो हमारा आंसर आ गया 8x की पावर 5 प्लस 48x टू दी पावर 4, तो इस प्रकार से आपको ये मल्टीप्लिकेशन भी करने हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा डिवाइड, जो कि फंडामेंटल में आता है जो कि है डिवाइड, देखिएगा चौथी जो चीज है वो है डिवाइड यानी कि भाग। अब मैं आपका कोर्स जो है वो जल्द से जल्द पूरा कर रहा हूं क्योंकि देखिए 6th क्लास का एग्जाम जो है वो अप्रैल में है लेकिन 9th क्लास का एग्जाम 2 फरवरी को है, इसलिए आप खुद ज्यादा मेहनत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए और जल्द से जल्द कोर्स पूरा करके आपके मैं टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा, ठीक है। भाग देना, अब भाग देने में कई सारी फॉर्मेट्स आते हैं, इसके जो है ये भाग होता है ना, ये भाग भी दो चार और इसके हो सकते हैं भाग, जैसे देखिए पहला पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई मोनोमियल, ठीक है। सेकंड हो सकता है मोनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल, ये हो सकता है। थर्ड हो सकता है मोनोमियल, ये मैं आपको सब इसके बाद आपको बताने वाला हूं, मोनोमियल
डिवाइडेड बाय मोनोमियल, ये भी हो सकता है। चौथा जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया भाग, मोनोमियल में पॉलिनोमियल का भाग दिया और मोनोमियल में मोनोमियल का भाग दिया, और लास्ट जो है वो रहता है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। अब देखिए इसमें वैसे कहूं तो सब चीजें इजी होती है, कोई हार्ड होती नहीं है, लेकिन इसमें जो ये पॉलिनोमियल में मोनोमियल का भाग देते हैं ये थोड़ा इजी रहता है। मोनोमियल में पॉलिनोमियल का भाग दे वो भी चलो ठीक है, इजी रहता है। मोनोमियल में मोनोमियल का भाग दे वो भी थोड़ा इजी ही रहता है, लेकिन पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का भाग देना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीन चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए आपके चैप्टर में बहुत सी चीजें अभी तक पड़ी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दिन में एक चैप्टर पूरा हो, लेकिन देखिए वीडियो बड़ा हो जाता है, आप खुद जानते हो, फिर आप खुद कहते हो कि सर वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आप इतना देखने का मन नहीं होता हमारा, ठीक है। तो देखिए अब मैं बताऊंगा आपको कि ये कैसे होंगे। देखिए सबसे पहली बार बताऊंगा आपको पॉलिनोमियल में मोनोमियल का भाग कैसे दिया जाए, ठीक है। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है x 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, सपोज कीजिए ये इस प्रकार से दिया हुआ है, इसके अंदर हमें भाग देना है एक मोनोमियल का। मोनोमियल है सपोज कीजिए 2, हेयर 2 इज द मोनोमियल। अब इस दो की जगह आप कुछ भी मोनोमियल जैसे जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको उसके हिसाब से करना होगा। अब इसके जगह पर आपको कोई और भी मोनोमियल आ सकते हैं, तो अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन लॉ जो कहता है, मल्टीप्लीकेशन अभी जो हमने किया था उसमें एक लॉ था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहां पर भी यूज होगा। यानी कि ये दो है, ये इसके अंदर जब भाग देने के लिए आएगा तो ये इसमें भी भाग देगा, इसमें भी भाग देगा और इसमें भी भाग देगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल में इस मोनोमियल का भाग देने के लिए हमें 2x स्क्वायर बाई 2 ये दो इसमें भाग देता है, प्लस 6x में भी भाग देता है और प्लस 4 में भी भाग देता है। जैसे भाग दिया 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 3 आ गया और यहां पर 2 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल में मोनोमियल का भाग कैसे दिया जाए, कैसे दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार सीधा ये 2 जो है इससे इसके अंदर भी भाग देगा, इसके अंदर भी भाग देगा और इसके अंदर भी भाग देगा। यानी कि 2 विल 2 या फिर कह सकते हैं मोनोमियल will divide all terms of polynomial। ये आप याद कर दीजिए कि जो monomial है वो polynomial के सारे terms के अंदर भाग देगा। इसी प्रकार से वो multiplication में था कि जो monomial होगा वो polynomial के सारे terms के साथ multiply करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो ये आपका जो पहला concept था ये पहला concept यहाँ पर पूरा हो गया। अब मैं second concept की बात करता हूँ, चलिए second concept की बात करते हैं। monomial में polynomial का भाग देते हैं, जैसे कि अभी मैंने 2 लिया, इस 2 के अंदर हमें 2x square plus 6x plus 4 का भाग देना है। वो का वो क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है। अब देखिए इसके अंदर इसका भाग देना है तो क्या होगा, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी यूज नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही तो चीज है बेचारी, अब इसके अंदर सीधा सीधा भाग दे दो, क्या करोगे, इस 2 बटा 2x square plus 6x plus 4, बस ये हमारा आंसर होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, इस 2 को इस 2 से काट देते हैं, लेकिन ये कटता नहीं है कभी, क्योंकि बीच में जो चिन्ह है इनके ये पॉजिटिव है। देखिए कटता कब है, जब नीचे वालों में या फिर ऊपर वालों में सारे जो चिन्ह है वो या तो मल्टीप्लाई में हो या फिर भाग में हो। जब ये साइन जो होते हैं, ये जो चिन्ह होते हैं, ये पॉजिटिव या अगर नेगेटिव हो तो आप सीधा काट कभी नहीं सकते, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया मोनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल, ठीक है, आगे बात आपको समझ में, तो ये भी हो गया। अब हम थर्ड बात करते हैं मोनोमियल डिवाइडेड बाय मोनोमियल। सबसे सिंपल है, जैसे देखिए 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, 2x
स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई कुछ भी अगर इस प्रकार से दे दिया जाए, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, इस मोनोमियल में इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, सीधा सीधा भाग दे दो, दो से दो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। इसमें अगर भाग देंगे तो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आ गया 2x। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर बाई वाई, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये जो है मोनोमियल की जो पॉलिनोमियल, मोनोमियल और ये जो है, ये तीनों के तीनों इजी रहेंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि ये कैसे सॉल्व होगा। चलिए तो अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाई पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल के भाग किस प्रकार दिया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। सही से देखना कन्फर्मली आपको मैं ऐसी ट्रिक कह रही हूँ कि वो कोई नहीं है, उसकी वही सॉल्यूशन होगा, इसके अलावा कोई इसकी मेथड है नहीं अभी हाल फिलहाल तो। लेकिन ऐसी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखना, गौर से देखना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब जैसे एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब आपसे कह दिया गया कि इस पॉलिनोमियल में, देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें वन टर्म टू टर्म एंड तीन तीन टर्म है। इसका मतलब जब जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा पद हो, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, मोस्टली जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं इंग्लिश मीडियम से, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम में उनको भी मैं पीछे छोड़ नहीं सकता, तो हिंदी मीडियम वाले देख लेना साथ में। देखिए बच्चों हिंदी इंग्लिश कोई फर्क पड़ता नहीं वैसे, लेकिन हाँ जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि मेरे को शायद कई ऐसी चीजें हैं जिनके मुझे जो इंग्लिश में नाम आते हैं लेकिन उनका हिंदी मुझे नहीं आता, ये थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं देख लिया एक ऐसा बंदा हूं, मैंने सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक मैं जो है मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे हिंदी भी आती है थोड़ी बहुत, और वो तो इंग्लिश तो आती है। लेकिन देखिए सब में आप कीजिए मेहनत, बिल्कुल ये मत सोचिए कि मुझे हिंदी नहीं आती या फिर ये तो ये जो बोल रहे हैं ये मुझे कोई पल्ला नहीं पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक बोल रहा हूँ पॉलिनोमियल और आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं आता तो वीडियो को रोक दो, गूगल पे सर्च कर दो पॉलिनोमियल इन हिंदी, तो वो सीधा सीधा पॉलिनोमियल का आपको हिंदी अर्थ बता देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। चलिए तो अब इसमें देखिए ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हमें किसी और पॉलिनोमियल का भाग देना, जैसे कि मुझे मैं x प्लस वन का भाग देता हूं, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में इस पॉलिनोमियल का भाग कैसे देंगे, अब क्या करते हैं बच्चे x स्क्वायर यानी कि वो वाला लॉ यूज करते हैं, x स्क्वायर प्लस ये सबसे पहले इसके अंदर भाग देता है, फिर इसके अंदर x प्लस वन इसमें भाग देता है, और फिर फोर के अंदर x प्लस वन भाग देता है। लेकिन अब क्या करोगे बताओ, होगा सॉल्व आपसे, नहीं होगा, आगे ये सॉल्व हो ही नहीं रहा, ये तो वो की वो बात रह गई। लेकिन अब मैं इसमें भाग देना आपको सिखाऊंगा, आप खुद कहोगे कि बीएस सर यू आर द बेस्ट, खुद कहोगे, मैं आपको रील बता रहा हूं, मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी मैंने ये बताया था, मैं करीब ये कितने ही बच्चों को ये बता चुका हूं और उन बच्चों ने मेरे से आज तो यही कहा कि यार क्या बात है, रील बता रहा हूं। तो एक बार वीडियो को नीचे से लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। ठीक है, चलिए इसके अंदर इसका भाग देना है तो क्या करेंगे, इसको रखेंगे विटनेस बॉक्स में, ये हो गया विटनेस बॉक्स। ठीक है, कोर्ट में जब हम जाते हैं तो किसी से कोई पूछते हैं कि सर मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूं तो के विटनेस बॉक्स में आके पूछो, तो इसी प्रकार से इसको हमने विटनेस बॉक्स में रख दिया। अब इसको हम लेके आते हैं, ये है कौन, वकील, तो ये वकील आएगा वकील वाले बॉक्स में, चलो वकील आ गया, अब ये इसमें भाग देना शुरू करेगा। अब क्या करना है आपको सोचना क्या है कि इस x प्लस वन जो है ना, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, यहां पर कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आपको इस पॉलिनोमियल का सबसे पहला जो है टर्म उसको देखना है। इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर, और इस पॉलिनोमियल का पहला टर्म कौन सा है, एक्स। ठीक है, अब आपको यह सोचना है कि इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, बस ये सोचना है आपको। ठीक है, तो इस एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर।
आ गया। लेकिन इस एक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा साथ में। लेकिन ध्यान क्या देखिए वहां पर ध्यान क्या देना है हमें कि इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। जब देखिए एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, चल लो ये आ गया। लेकिन ये पीछे वन बच जाता है, इस वन को भी इस एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आ गया प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि वन इंटू एक्स क्या होता है एक्स, तो ये एक्स आ गया। अब इसके नीचे लाइन खींच दो और माइनस का चिन्ह लगा दो यहां पर, ये करके इसको कोष्टक में ले लेना। ठीक है, इसको कोष्टक में ले लेना। ओके, अब जब इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा कोष्टक के आगे, और जैसे हम कोष्टक को खोलते हैं तो ये इससे इसको माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, ये आप जानते हो, मैंने आपको बताया था। अब देखिए इस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो क्या रह गया जीरो। ठीक है, इस टू एक्स में से इस एक्स को माइनस किया कि क्या रह गया प्लस का एक्स, क्योंकि ये टू एक्स में से एक्स को माइनस किया तो एक्स रह गया, पीछे क्या बचा है फोर, तो इस प्लस फोर को आप यहां पर लिख दीजिए। ओके, अब क्या करना है, अब यहां पर तो ये जीरो है तो इसको आप मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स आ जाए, तो देखिए किसी भी संख्या को अगर वही संख्या लानी तो उसको वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लिखोगे प्लस वन, कि हमें इसको पॉजिटिव वन से मल्टीप्लाई करना है, किससे पॉजिटिव वन से। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है एक्स, और ये वन वन से मल्टीप्लाई करता है तो क्या आता है वन, और यहां पर हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब जैसे ये माइनस का चिन्ह खुलता है तो इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। ठीक है, अब इसको माइनस किया एक्स एक्स कैंसिल हो गया जीरो, और चार में से एक गए पीछे बचे तीन। अब ये चलो ये जीरो इसको आप कटा सकते हो, पीछे क्या बच गया तीन। अब आप एक्स को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि जो तीन आ जाए, बताओ एक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि तीन आ जाए। हाँ, कई बच्चे अब ओवर कॉन्फिडेंसली सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि एक्स को सर हम एक्स जो है इस एक्स को हम तीन बटा एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और तीन आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो फिर सॉल्व करते रहना सॉल्यूशन नहीं आएगा, आता रहेगा मतलब आगे आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन जब आप यहां पर सिंपली किसी संख्या को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो देखिए ये जो है ये हो गया क्वोशेंट, क्या हो गया क्वोशेंट मतलब कि भाज्य, ये हो गया रिमाइंडर, क्या हो गया रिमाइंडर मतलब शेषफल, और ये तो है ये दोनों। ठीक है, तो ये क्वोशेंट आ गया और ये आ गया रिमाइंडर, बस ये इसका आंसर हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का भाग कैसे दिया जाता है। अगर यहां पर जीरो आ गया होता तो सीधा सीधा हमारा आंसर ये हो जाता। ठीक है, सीधा सीधा हमारा ये आंसर हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है वो आपको मूर्ख बनाने के लिए, आपको थोड़ा सा आपके माइंड को फोड़ने के लिए वो क्या करता है वन एक्स वन प्लस एक्स दे देता है। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यार इस वन को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, बच्चे क्या करेंगे कि इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एक्स स्क्वायर से कर दिया, फिर वो क्या करते हैं कि इसको भी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो यहां पर माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, हमेशा कोई भी इक्वेशन दे दे कोई भी, जैसे कि एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एंड प्लस माइनस सिक्स, अगर इस प्रकार से कोई इक्वेशन दे दे, सबसे पहला आपका काम यह होता है कि उस इक्वेशन को सुव्यवस्थित रूप से लिखना, यानी कि उसको सही फॉर्म में लिखना। सही फॉर्म क्या होती है, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसको पहले लाओ, एक्स क्यूब पहले आ गया, इसके बाद एक्स स्क्वायर वाले को लिखो, उसके बाद एक्स वाले को लिखो, उसके बाद ये माइनस का सिक्स और फोर इनको यहां पर लिख दो, प्लस फोर माइनस सिक्स। अब इनको दोनों को सोल्व कर सकते हो आप, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इस प्रकार से लिखना है। अगर ये हो चाहे ये हो, इनको सही कर दो, यहां पर एक्स प्लस वन कर दो, इस एक्स को पहले ले आओ आप, फिर सोल्व करो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, ऐसी गलती कभी मत करना कि आपसे कोई गलती हो जाए। एक प्रश्न अगर आप कहते हो तो मैं आपको इसका एक और बता देता हूं, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए,
तो एक क्वेश्चन जो है मेरी बुक में दिया हुआ है वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेता हूं। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वन का हमें भाग देना है, किसमें भाग देना है, चलिए देखते हैं। इसका भाग देना है x टू द पावर 4 प्लस 1 में, x टू द पावर 4 प्लस 1 में। चलो भाई तू हट जा वापस, ज्यादा बड़ी संख्या नहीं थी मुझे। चलो ये दिया है, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, तो हम x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए x की ऊपर अगर हम देखिए अभी तो 1 है, क्या है 1, अब इस 1 को x क्यूब से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x x x रह जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगी, तो 3 और 1 4, तो x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने x क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यहां पर x 4, लेकिन ये माइनस 1 जो है ये भी इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ गया माइनस x क्यूब। नीचे लिखा कोष्टक में लगाकर माइनस कर देना, ये स्टेप आप याद रखना कि सबसे पहले इसको सोचना है कि भाई किससे मल्टीप्लाई करें, वो सोच लिया, फिर ये यहाँ पर जितनी संख्या दी हुई सबको उससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया, फिर उनको कोष्टक में बंद कर दिया, फिर आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया। माइनस का चिन्ह हमेशा लगाना है। अब जैसे इस कोष्टक को वापस खोलेंगे तो ये माइनस हो गया और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये तो पूरा कैंसिल हो गया 0। अब यहां पर देखिए ये पॉजिटिव का एक्स क्यूब है तो आप यहां पर प्लस एक्स क्यूब लिखकर यहां पर भी ये जो वन है जो पीछे बचता है यहां और यहां जो पीछे बचता है उसको लिख दो, लिख दिया इसको आप अब हटा सकते हो, जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, तो आप एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो एक्स क्यूब आ जाएगा। चलिए एक्स क्यूब आ गया, अब इस माइनस वन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। सॉल्व किया माइनस आया, ये यहां पर माइनस तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, दोनों कट गए, जीरो आ गया और प्लस एक्स स्क्वायर और यहां पर भी प्लस का वन रह गया, आ गई। अब चलिए ये यहां से मिटा दो। ठीक है, अब इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, इस एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस वन एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का एक्स आएगा। चलिए ये आ गया माइनस और ये प्लस हो गया, ठीक है कट गए, पीछे क्या बचा x और ये 1, ये बच गए। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेगी x आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव के 1 से, तो पॉजिटिव 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x और ये माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1। ठीक है, यहां पर लिखा ये हो गया, अब ब्रैकेट के आगे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एक और एक 2। आंसर हमारा जो क्वेश्चन है वो आ गया ये, और जो रिमाइंडर है आगे बात आपको कोई नहीं बताएगा, रियल बता रहा हूं। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन, ये आपके अभी हाल फिलहाल वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय के कोर्स में है लेकिन ये आपके आएंगे 9th क्लास में या फिर 10th क्लास में, उससे पहले शायद ये नहीं है लेकिन फिर भी आपके कोर्स में है तो आपको ये एडवांसली पढ़ना पड़ेगा। इसके आगे आपके वो भी आएंगे साइन टीटा कॉस टीटा टेन टीटा कॉसेक टीटा सेक टीटा, तो ये सारे जो है ये सब आपके वैसे कोर्स में नहीं है, कई बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारा है ही नहीं, फिर भी लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय के कोर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको मैं आगे आगे और आपको आगे बताऊंगा। तो आज की जो ये क्लास है ये यहीं पर पूरी करता हूं, बहुत बड़ी हो गई होगी, नेक्स्ट क्लास में बना के लेके आऊंगा आपके लिए, तब तक मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, विंटर सीजन आ रही है, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को रोजाना दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, लिख सकते हैं। ऑल राउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद।